आदेश आदेश आदेश। 29 तारीख को धुलेटी बोला जाता है, होली गई, रंगों का त्योहार होता है, रंग की एक अलग ही मजा होती है। और आगे की बात करें तो यही दिन प्रतिपदा भी होता है। कई जगह पे जहां पूर्णिमा मासांत माना जाता है, वहां फागुन मास पूर्ण हो गया। आगे की बात करें तो 3 तारीख को संत तुकाराम बीज 16वीं सदी में हो गए, 1528 या ऐसे कुछ है आगे पीछे। तो संत तुकाराम विठोबा के भक्त थे, भगवान विष्णु का स्वरूप, और आज भी पूरे महाराष्ट्र में बहुत रंग चंग से मनाया जाता है, इनकी दूज है। 31 तारीख को संकष्टी चतुर्थी, भगवान गणेश को याद करने का, पूजन करने का, व्रत करने का दिन। अभिषेक होता है, पूजन होता है, गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ होते हैं। 1 तारीख को रंगपंचमी, होली का जो त्योहार पूर्णिमा के दिन चालू हुआ, इसके बाद रंगों की छैर उड़ती है, वो पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाती है। मगर ये त्योहार पंचमी के दिन ही पूर्ण होता है। देहातों में 5 दिन तक ये प्रोग्राम रंगों की बौछार मनाई जाती है। 1 तारीख को ही उत्कल दिवस है। उत्कल दिवस आपको शायद पता नहीं होगा, मगर उसको उड़ीसा डे बोला जाता है, उड़ीसा का दिवस, उड़ीसा के लोगों को ये दिन की बधाई हो, क्योंकि 1936 में उड़ीसा को अलग करके उड़ीसा प्रांत की रचना की गई और एक पूरा उड़ीसा क्षेत्र राज्य बनाया गया, एक बहुत ही बहुमूल्य विस्तार, मगर हमेशा नेचुरल परिस्थितियों से घिरा हुआ प्रदेश। बाढ़ आना, अति बारिश होना, या कभी कभी अति हवा चलना, ये सब कॉमन चीजें हैं। आगे की बात करें तो 2 तारीख को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2015 से मनाया जाता है, ऑटिज्म अवेयरनेस डे, असमानता नाबूत दिवस। असमानता ना होनी चाहिए, घर में स्त्री पुरुष की असमानता, ज्ञातियों में असमानता, रंग भेद की असमानता, अपंग ना अपंग होना, इसकी असमानता, सबको समान अधिकार मिले, इस भावना से यूएन ने इसको डिक्लेयर किया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। जरूरी है, कुदरत ने कोई तकलीफ दी है तो उनको अलग नहीं माना जाता है, कोई कोई ज्ञाति में जन्मा तो उसको अलग नहीं माना जाता है। ये पूरी इसके प्रति जागृति लाना, इसके प्रति पूरे लक्ष्य के साथ, ये हमारे यहां तो फिर भी नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा कम है, मगर अब जब अफ्रीका के अमेरिकन में के कई स्टेट्स में चले जाओ तो यह बहुत ज्यादा दिखाई देता है, इसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए। 3 तारीख को मारवाड़ी सातम, शीतला सातम का व्रत होता है ये। उस दिन मारवाड़ी लोग ठंडा खाते हैं, शीतला माता को भोग धराते हैं, एक अलग माहौल, बहन बेटियां इकट्ठे होकर भजन करती है, कीर्तन करती है, शीतला माता की पूजन करती है, क्योंकि अपने शरीर पे कोई प्रकार का चर्म रोग ना हो, इसके लिए मां शीतला का पूजन होता है। आमतौर पे अलग
रीत से होते, कोई जगह पे श्रावण में शीतला माता का पूजन होता है, कोई जगह पे अलग अलग होता है। तो इस प्रकार मारवाड़ी समाज ये दिन करती है। 4 तारीख को काला अष्टमी है, माता जी का पूजन अर्चन ध्यान करने का दिन। इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस, खान खनिज में जो लोग काम करते हैं इनके प्रति समानता रखने का दिन 1997 से मनाया जाता है, 1997 से। ये वो जो मजदूर काम करते हैं, बहुत भीतर में जाके करते हैं, ध्यान का जोखम होता है, बहुत डीप में चले जाते हैं, इनकी जीवन की सुरक्षा, इनके प्रति लक्ष्य, इनके प्रति थोड़ी सहानुभूति, ये सब बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ज्यादातर कोयले की खान होती है, हीरे की खान होती है, ये जो खुदाई करते हैं वो कितने डीप जाते हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकोगे। उसमें आग लगना, पानी भरा जाना, दह जाना माटी का, ये सब कॉमन होता है। उसी दिन 4 तारीख को ही आदिनाथ जैनों के प्रथम तीर्थंकर, ऐसे तो ऋषभ देव जी बोला जाता है, इनका जन्म कल्याण यानी जन्म दिवस। ऐसे आदिनाथ को कोई जगह पे शास्त्र में ऋषभ देव जी को शंकर का स्वरूप बोला गया है, कोई जगह पे विष्णु का स्वरूप बोला गया, बात तो कोई भी हो, रोटी इस साइड से खाओ कि रोटी उस साइड से खाओ, रोटी थाली के बीच में ही आती है। इसी तरह ये प्रक्रिया है आदिनाथ जी का जन्म दिवस मनाने का। जैन समाज को इस दिन की शुभेच्छा, शुभकामना। ये चैनल आप तक पहुंच रहा है, ये चैनल हिंदू संस्कृति का और देश विदेश की बातों आप तक पहुंचाता है। आप सबको विनती है कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और सब्सक्राइब के बाजू में आई हुई घंटी को दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो रखें तब आप तक पहुंच जाए। धर्म की परिभाषा में हिंदू संस्कृति और देश की बातें लोगों को नहीं पता है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश हम करते हैं। आपका साथ और सहकार कई टाइम से मिल रहा है, हर हफ्ते आता है, आज 294वां हफ्ता चल रहा है, और बीच में थोड़ा 10 हफ्ते छूट गए, तो आप सोच लो कि हम 300 हफ्ते क्रॉस कर गए आपके साथ और सहकार। यही साथ और सहकार बनाए रखे। अस्तु, शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।